नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। दिल्ली सीएम केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेजा केस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जिन्होंने वोट नहीं किया उनसे बदला लेने की तैयारी कर रही है भाजपा। विश्वनाथ धाम में रद्द होंगे नेमियों के पास, फर्जीवाड़े की हुई थी शिकायत। आगरा के कंपोजिट विद्यालय परिसर में बना मंदिर, भजन के शोर से बच्चों का पढ़ना मुश्किल। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर, लखनऊ दिल्ली हाईवे दूसरे दिन भी बन रहा, कई किलोमीटर तक बह रहा पानी। आगरा में वाहन चलाने वाले नाबालिगों का काटा गया चालान। आगरा में लॉटरी से बिकी 62 संपत्तियां, एडीए ने एक दिन में कमा लिए तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा रुपए। नेपाल में लैंडस्लाइड, नदी में बह गई 2 बसें, 7 भारतीयों की मौत और कई घायल और कई लापता। नगीना सांसद चंद्रशेखर बोले, विधायक ओम कुमार को मिले सद्बुद्धि, सतगुरु से करूंगा प्रार्थना। मुड़िया मेला के लिए दुरुस्त की जा रही रोडवेज बसें, आगरा से चलेंगी 250 गाड़ियां। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।